सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, वो माँ भी खुश नसीब होती है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है। तैरना है तो समुन्दरों में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीड़ा लेकर हाथ में सरस्वती हो आपके साथ में, मिले माँ का आशीर्वाद हर दिन, मुबारक हो आपको सरस्वती पूजा का ये दिन। आज का पंचांग 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:28 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र शाम 6:56 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:52 से 3:13 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार मांग मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व ज्ञान विद्या संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस बार बसंत पंचमी की तिथि शुरुआत 25 जनवरी 2023 को 25 जनवरी 2023 को दोपहर 12:34 से शुरू होकर 26 जनवरी सुबह 10:28 तक रहेगी। ऐसे में 26 जनवरी यानी आज बसंत पंचमी की उद्या तिथि होगी, इसीलिए आज ये त्योहार मनाया जाएगा। वहीं पूजा का मुहूर्त सुबह 7:07 से 10:28 तक रहेगा। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग माँ सरस्वती को पसंद है और विधि विधान के साथ माँ सरस्वती की पूजा करें। तुला राशि 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार। आज आप काम या मनोरंजन के लिए कोई छोटी यात्रा कर सकती हैं। आप अभी रचनात्मक मूड में हैं व जोखिम भरे कार्य करने और कुछ नई संभावनाओं को खोजने के लिए भी तैयार हैं। रोमांटिक साथी या परिवार के बुजुर्ग के लिए समय निकालें जिन्हें अतिरिक्त देखभाल या ध्यान की आवश्यकता है। कोई पेशवा निर्णय लेते हुए खुद पर विश्वास रखें। कूटनीति का प्रयोग करें, खासकर उस रिश्ते में मार्गदर्शन के लिए जिसमें तनाव है। बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, नाटक देखना या खेल खेलना आपको तनाव मुक्त पलों में भी स्थिर रखेगा। आज आपका परिवार, दोस्तों और आपके निजी मामले आपको व्यस्त रखेंगे। आज आप अतीत की सुखद यादों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए शांति की जरूरत है, इसीलिए काम करें और अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। इस समय आपके परिजनों के साथ बातचीत का भी है। घरेलू मामलों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यह चरण व्यस्त जीवन और चिंताओं की तरफ भी इशारा कर रहा है। अधिक काम के दबाव को कम करने के लिए उसे व्यवस्थित करके प्राथमिकता के अनुसार कार्य करें। लंबे समय के बाद आशा आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटी या बेटे के लिए सुयोग्य वर मिल सकता है। लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामलों में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें। घर में मेहमानों के आने जाने से सुखद माहौल रहेगा। बच्चों और परिवार वालों की ओर से चल रही चिंता का समाधान मिलेगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा में सफलता मिलने के योग हैं। समय आपके पक्ष में रहेगा। पुरानी तकलीफों को दूर करने के लिए मार्ग मिलेंगे, लेकिन इन मार्गों का इस्तेमाल आप किस प्रकार से करते हैं ये आपको तय करना है। प्रलोभन से दूर रहें, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। परिवार का वातावरण सुधरता हुआ नजर आएगा। परिचित लोगों के साथ जुड़कर नए काम की शुरुआत हो सकती है। पार्टनर्स में सुधरते संबंधों की वजह से परिवार का वातावरण सकारात्मक बनेगा। गलत खान पान की वजह से अपचय की तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें।
पेपर वर्क करने से पहले ठीक से जांच करें। पार्टनरशिप की कारोबार का तनाव दूर होगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिल सकता है। आज पुराने मित्रों से भेंट होगी, विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। मानसिक शांति पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताएं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि विरासत में मिली संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो अब तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए धैर्य और शांति से समाधान खोजने की कोशिश करें। अपना ध्यान नकारात्मक गतिविधियों पर केंद्रित न करें। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन होने की संभावना है। घर के छोटे छोटे मामलों को ज्यादा देर तक न खींचें। सावधानियां: किसी खास मुद्दे पर बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें, वरना छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। कोर्ट केस पर संपत्ति से जुड़ा विवाद मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति ना बनने दें, इसका नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। आप जीवन का मजा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके पास कुछ रचनात्मक रोमांटिक आइडिया है जिन्हें आप किसी बेहद खास व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं। अपने साहस पर भरोसा करके अवसरों को न जाने दें। आप हर पार्टी की जान है और मनोरंजन के लिए तैयार हैं। रिश्ते में आई समस्याओं को दूर करें। हो सकता है कि परेशानियां उतनी अधिक नहीं है जितने आपको लग रही है। आने वाली अच्छी चीजों को पाने के लिए आपको केवल अपना एक कदम आगे बढ़ाना है। आज अधिक भावुक महसूस कर सकते हैं। अपने प्रेमी दोस्त या किसी प्रियजन के साथ समय बिताने की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज बचें। अपने प्यार के साथ कम समय व्यतीत करेंगे और घरेलू मामलों में अधिक व्यस्त रह सकते हैं। आप आज उदास या चिंतित भी हो सकते हैं, ऐसे में अपनी पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताएं। याद रखें, आज आप जो बोएंगे कल वैसे ही फल पाएंगे। बात चाहे प्यार की हो या अन्य व्यवसाय कार्यों की, जोखिम लेने से पीछे ना हटें, क्योंकि जो जोखिम लेता है वही सफलता का स्वाद चखता है। बात करते हैं करियर की। आज रचनात्मक मूड में आप हैं और दूसरे लोगों से अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए तैयार हैं। सोच समझ कर बातचीत करें। आप सेल्स प्रदर्शन और काम की बैठकों में खुद को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। कूटनीतिज्ञ बने और समझौता करने के लिए तैयार रहें। आपकी और व्यवसायिक मतभेदों और ऑफिस की गंदी रणनीति के माध्यम से काम करेंगे। मरम्मत और जरूरी खरीदारी के लिए धन खर्च करें। बड़ा निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। किसी खास व्यक्ति के परिवार में आई परेशानी आपको रिश्ते में बदलाव का संकेत दे सकती है। बातचीत के माध्यम से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। आपकी एकाग्रता में तेजी आई है जिसका आपको पूरी तरह से उपयोग करना होगा। आप अपने करीबी लोगों की चिंताओं से अवगत हैं। इनको दूर करने के लिए कोई उपाय करें। कामकाज के मोर्चों पर आज आपके लिए व्यस्तता से भरा हुआ दिन है, इसलिए आज समय अतिरिक्त काम का आना आपको नापसंद आ सकता है। इस समय विचार करें कि कैसे आप अपने काम को किसी और को सौंप सकते हैं। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग है। आज के दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगी जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आज आप कुछ हल्के फुल्के खरीदारी भी कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आप आज छोटी लेकिन बार बार हो जाने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान महसूस कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड़ी दवाइयों से करना बंद करें, खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनकी लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या के जड़ तक पहुंचने के लिए किसी विशेष की आवश्यकता लेनी होगी, तभी आपको इस रोज रोज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी दवा लेने से नुकसान ही होगा, ध्यान रखें। आज का उपाय: आज अब गरीब छोटे बच्चों की सहायता करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।